किसी के अकाउंट में अगर पैसा कम है तो पूरा वाइप ऑफ हो सकता है ट्रेड मैंने एक लाख का ही लिया है ऑप्शन बाइंग वर्सेस सेलिंग वर्सेस फ्यूचर्स ऑप्शन बायर अगर मार्केट 48500 पे है तो वहाँ भी रही तो उसको लॉस है थोड़ी ऊपर गई तो भी लॉस है नीचे आई तो लॉस है अब किसको करना है या कौन सा किससे बेटर है तो अगर इसको ऐसे समझें तो... This video is made for educational purposes only and are not meant for financial advice. Viewers are recommended to consult registered financial and investment advisors before making any investment. We disclaim all liability for any loss or damage as a result of any investment that you may consider. We do not promote any finance or investment related courses or products through this channel. सो आई एम हर्ष बेसिकली मैं यहाँ पर ऑडियंस बैठा हूँ ताकि मेरे कुछ क्वेश्चनस आते थे जब मैं ट्रेडिंग करता था ना तो कुछ ऐसे क्वेश्चन थे जो मैंने ढूंढने की कोशिश करी बट यूट्यूब पर नहीं मिले एक्सपीरियंस से पता चले बट मैं चाहता हूँ कि वो क्वेश्चन पूछूँ ताकि ऑडियंस की हेल्प हो जाए तो कुछ जैसे हम बोलते हैं ना कि ऑप्शन बाइंग जो है वो उसके अंदर लिमिटेड रिस्क होता है कि हमने जितना लगाया है जितने का हमने लॉट लिया है उतना ही हमारा मैक्सिमम रिस्क है ऑप्शन सेलिंग के अंदर बोलते हैं अनलिमिटेड रिस्क है फ्यूचर्स के अंदर बोलते हैं अनलिमिटेड रिस्क है जब मैंने लगाया है एक लाख रुपए का मान लो मैंने फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट लिया या फिर एक लाख रुपये मैंने ऑप्शन सेलिंग के अंदर लगाए हैं जब मैंने लगाए हैं तो अनलिमिटेड रिस्क का मतलब क्या है कि मेरा एक लाख जाएगा या फिर डीमेट अकाउंट के अंदर मान लो दस लाख पड़ा है तो अगर मेरा लॉस होएगा तो क्या वो एक लाख रुपए पूरा जाएगा या फिर जो मेरे डीमेट अकाउंट के अंदर दस लाख पड़ा है वो भी जाएगा तो अनलिमिटेड रिस्क का मतलब का है मतलब क्या है इसका तीन सिचुएशन को कंपेयर करते हैं जहाँ पे आप फ्यूचर्स में ट्रेडिंग कर रहे हो जहाँ पे आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो और जहाँ पे आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हो मान लेते हैं अकाउंट में लाख रुपये पड़े हुए हैं ठीक है आपने एक लॉट फ्यूचर खरीदा ऑलरेडी आपके ब्रोकर ने लाख रुपए ब्लॉक कर दिए क्योंकि वो है, ठीक तो है में, अब आप कह रहे हो लाख रुपए जब आपका ठीक है? तो वो आपका रिस्क जो है एक्चुअली लाख रुपए तक अकाउंट वैल्यू तक ठीक है ऑन दी अदर हैंड आप कहते हो मैं आज लाख रुपए के ऑप्शंस बाय कर लूंगा और दोपहर तो तक होल्ड करके बैठूंगा तो भी उड़ने को तो लाख रुपए ही तो तीनों केस में जाएगी तो आपकी अकाउंट वैल्यू जितने आपने पैसे डाले हुए हैं तो इट्स नॉट की ऑप्शन बाइंग में रिस्क लिमिटेड है क्योंकि आप अगर पूरे अकाउंट की ही वैल्यू के ऑप्शन बाय कर लोगे तो आपका अकाउंट तोड़ ही सकता है सो इट इज जस्ट अ मिथ कि ऑप्शन बाइंग में मेरा जो लॉस है वो लिमिटेड है बिकॉज आप अपनी पोजीशन साइजिंग प्रॉपर कर रहे हो

ऐसा मेरा सोचना है हाँ। कि आपके अकाउंट में एक लाख पड़ा एक करोड़ पड़ा है, है। और नहीं सुनने में में भी अच्छा लग रहा है ट्रेड आपको बताता हूं हाँ। अब इसमें एक सिनारियो है कि हमने एक ऑप्शन बाय करा तो सौ रुपए का बाय करा पंद्रह का लॉट है तो पंद्रह सौ का ही मैक्सिमम लॉस हो सकता है अब मान लीजिए हमने पुट शॉर्ट कर दी पुट शॉर्ट कर दी मार्केट यहाँ चालीस हजार अड़तालीस हजार रुपए बैंक निफ्टी खड़ी है कल को जीरो ही हो जाए बैंक निफ्टी तो मेरा कितना लॉस होगा साढ़े चार लाख का लॉस होगा अगर बैंक निफ्टी जीरो हो गई तो मेरा यही लॉस होगा यही होगा ना या मेरी कैलकुलेशन में गलत है साढ़े छह लाख चालीस हजार मैंने मान ली थी अड़तालीस हजार है तो साढ़े छह लाख का लॉस होगा मैंने चालीस हजार पकड़ ली बैंक निफ्टी तो छह लाख का लॉस हो गया तो अनलिमिटेड तो यहां भी नहीं हुआ लेकिन अगर हम कॉल शॉर्ट करते हैं तो भी ये नहीं होगा कि अड़तालीस हजार से अगले दिन छियावे हो जाए तो अनलिमिटेड तो वर्ड ही गलत है सेलिंग में हम कहते हैं कि हमारा अनलिमिटेड लॉस हो जाएगा दस परसेंट के बाद तो ऑपरेशन ही बंद हो जाएंगे निफ्टी या बैंक निफ्टी दोनों में से अगर दस परसेंट गिर गई या बढ़ गई तो लेकिन अनलिमिटेड वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं कि किसी के अकाउंट में अगर पैसा कम है तो वो पूरा वाइप ऑफ हो सकता है राइट तो मतलब ये अनलिमिटेड वर्ड कुछ नहीं है हर एक चीज लिमिटेड ही है आज आप आज एक, एक फ्यूचर को आप बाय कर लीजिए और उसके पीछे पांच लाख रुपए छोड़ दीजिए और आप उसे हर महीने रोल ओवर रोल ओवर करते रहिए मैं कहता हूं बाजार यहाँ से थर्टी परसेंट फोर्टी परसेंट भी करेक्ट हो जाए कभी तो बढ़ेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी या इंडेक्स है ऊपर तो जाएगा ही आपके अंदर होल्डिंग कैपेसिटी है तो आप प्रॉफिट में निकलेंगे यही तो आप स्टॉक में भी कर रहे हैं लेकिन यहां पे एक आपका लॉस एक्स्ट्रा होगा ओवर द स्टॉक्स जो आप फ्यूचर पकड़ते हैं उसमें आप फ्यूचर टू स्पॉट थोड़ा सा प्रीमियम देते हैं विच इज ऑलमोस्ट थ्री टू फाइव परसेंट इतना ही है तीन परसेंट है शायद तो वो तीन परसेंट आपका लॉस होएगा जो आप इस वक्त जैसे बैंक निफ्टी में शायद ढाई सौ पॉइंट का प्रीमियम है तो वो ढाई सौ पॉइंट आपके ओवर मंथ कैलकुलेट करते जाएंगे तो वो लॉस हो जाएगा लेकिन अगर आपने होल्डिंग कैपेसिटी और पांच लाख डाल के और पोजीशन साइजिंग ठीक रखी तो लॉस नहीं हो सकता बाइंग में भी लॉस नहीं हो सकता क्योंकि इंडेक्स कभी जीरो नहीं होगा रिलायंस कल को जीरो हो सकता है टीसीएस जीरो हो सकता है कंपनी अपने ऑपरेशन बंद कर दे जीरो हो सकती है एल जीरो हो सकता है इंडेक्स जीरो नहीं होगा ना ना बैंक निफ्टी निफ्टी जीरो होगा, ना निफ्टी जीरो होगा होगा ठीक है तो इसमें एक और चीज है जैसे मैं ऑप्शन बायर हूँ आप ऑप्शन सेलर हो और भाई आप जो आप दोनों ऑप्शन बाइंग भी करते हैं भाई अर्जुन भाई ना मैंने देखा है तो जैसे ऑप्शन बाइंग भी करते हो आप ऑप्शन सेलिंग करते हो तो मेरा क्वेश्चन ये है, विच इज बेटर या फिर दोनों ही बेटर नहीं है या फिर आपकी क्या राय है मतलब एक जो विगनर आया नॉर्मल ट्रेडर आया तो उनको दिखाया जाता है कि ऑप्शन बाइंग फ्यूचर ऑप्शन बहुत बढ़िया है मैं सजेस्ट करता हूँ स्टार्टिंग में आयो, आप में भी करना है प्रॉफिटेबल होने के लिए लेकिन मान लो अगर कोई आ गया है जिसने अपना कदम रख दिया है ऑब्वियसली एक नशा है जो जाएगा नहीं है ना तो जब नशा करना ही है तो कौन सा करे ऑप्शन बाइंग या फिर सेलिंग जो ट्रेडिंग होती है हर एक का एक डिफरेंट स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग होता है जो कि लिंक्ड होता है उस पर्सन person की पर्सनालिटी के साथ ठीक mm. है तो हर एक की पर्सनालिटी क्योंकि डिफरेंट है आपका एक यूनिक ट्रेडिंग स्टाइल होगा जो कि आप डिस्कवर करोगे ओवर द इयर्स एज यू ट्रेड दिस इज व्हाट आई फील नाउ यू हैव टू डिसाइड कि आप किस टाइप की ट्रेडिंग करना चाहते हो अगर आप प्योर डायरेक्शन खेलना चाहते हो तो बाइंग से बेटर कुछ नहीं है प्योर डायरेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि वहां पर आपको जो एक्सपोजर मिल रहा है वो सिर्फ डायरेक्शन का है एंड क्योंकि सेलिंग में आप लिमिटेड प्रीमियम सेल करोगे फॉर एग्जाम्पल बैंक निफ्टी में मैंने अगर ए बेचा तो वो तीन सौ रुपये चार सौ रुपए का बिकेगा और बैंक निफ्टी में अगर मूव हजार पॉइंट का आता है तो दैट इज द मैक्सिमम प्रॉफिट आप जो बना सकते हो बट अगर आपका व्यू है कि बैंक निफ्टी हजार पॉइंट चलेगा या पंद्रह सौ पॉइंट चलेगा या मैं इस पर्पस के साथ ट्रेड ले रहा हूं तो आई फील बाइंग वहां पर ज्यादा प्रॉफिटेबल रहने वाली है सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ ट्रेडिंग यूर डूइंग किस किस स्टाइल से आप ट्रेड करते हो एंड आपकी स्ट्रैटी किस टाइप की है फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की स्ट्रैटी है कि मुझे यू नो न्यूट्रल मार्केट मार्केट साइडवेज रहे मुझे उसको एक्सप्लॉयट करना है मुझे उससे पैसे बनाने हैं तो वो बाइंग से नहीं हो सकता तो वो आपको सेलिंग ही करनी पड़ेगी क्योंकि आपको स्ट्रैडल स्ट्रैंगल बेचना पड़ेगा जो आप कह रहे हो कि मार्केट रेंज में रह गई तो मुझे पैसे बनेंगे बाइंग में उल्टा पैसे चले जाएंगे तो आपका मार्केट पे व्यू क्या है उस व्यू के अकॉर्डिंग आप हमेशा अंडरलाइन में ट्रेड लेते हो तो इन शॉर्ट मीन पहले मार्केट का व्यू देख लो मार्केट के व्यू के हिसाब से मतलब ऑप्शन बाइंग और सेलिंग बोथ आर गुड अकॉर्डिंग टू द मार्केट व्यू है ना तो आपका कुछ और हां मान लीजिए आपने ₹100 की कॉल बाय करी प्राइस आ गया ₹200 तो जिसने बाय करी है उसने तो 100% कमाया जिसने सेल करी है उसने अपनी कैपिटल का लॉस लिया वो 1.5 या 1 परसेंट लिया तो अब आपकी यहाँ साइकोलॉजी हिट होगी कि मुझे 100 परसेंट पे जाना है या मैं डेढ़ परसेंट पे खुश हूँ क्योंकि मुझे आएगा भी डेढ़ी परसेंट यू गेटिंग माई पॉइंट क्योंकि डेढ़ लाख रुपए लगा के या सवा लाख या एक लाख लगा के अगर मैं पंद्रह सौ कमाऊंगा तो मैं डेढ़ी परसेंट कमा रहा हूं लेकिन आपने उसको डबल कर लिया तो आपने हंड्रेड परसेंट कमाया मैं एक करोड़ दो करोड़ दस करोड़ बीस करोड़ पचास करोड़ सेलिंग पे लगा सकता हूँ आप एक करोड़ से बाइंग नहीं कर सकते प्रीमियम तो ये फर्क है। और एक और मतलब आपने बेचा है तो अस्सी आपको वो पैसा ऑप्शन वो जीरो ही होने वाला है तो स्टैटिस्टिकल एज भी एक सेलर के पास है पर अगर आपको ट्रेडिंग करनी तो बोलते हैं बट आफ्टर अ पॉइंट अगर मार्केट में डायरेक्शन तो सेल को मैनेज करने के लिए बाई तो करना ही पड़ता तो selling... है तो सेलिंग जब मार्केट साइडवेज है या आपका समझो व्यू है तो आपको एक लिमिटेड पैसा और वो आप कंसिस्टेंट कमा सकते हो ऑप्शन बायर का क्या है कि वो सोचता है कि समझो आपने सौ का प्रीमियम बाई किया मार्केट उधर भी रह गई मतलब यू हैव टू बी राइट विद द टाइमिंग आल्सो कि हमको क्या है हमें से हमारा समझो व्यू है कि बैंक एट थाउजेंड के ऊपर रहेगी ये व्यू से अगर मार्केट फोर्टी के ऊपर है भले पांच पॉइंट नीचे भी आ आएगा एट के ऊपर है स्टिल ऑप्शन सेलर कैन मेक मनी बड़ा ऑप्शन बायर अगर मार्केट फोर्टी एट फाइव हंड्रेड पर है वो वहाँ भी रही तो उसको लॉस है थोड़ी ऊपर गई तो भी लॉस है नीचे आई तो लॉस है ही मतलब उसको बड़ा मूव चाहिए तो ही वो पैसा कमा सकता है तो वो साल में अब देख लो कि ट्वेंटी परसेंट टाइम होगा मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट साइडवेज होती है अगर पिछले दस बारह साल का डेटा स्टडी करो बैंक निफ्टी पाँच परसेंट की रेंज में रहती हफ्ते में एट्टी वन परसेंट द टाइम उन्नीस टका बड़े मूव्स आते हैं तो जब वो उन्नीस टका बार जो ऑप्शन सेलर वो अपनी रिस्क मैनेज कर रहा है बट वो बायर वो उन्नीस टके के लिए वेट कर रहा है कि कब वो मूव आएगा

एक हेज स्ट्रेटेजी बनाओ और बैठ जाओ हाँ। तो इसमें मुझे चाहे हाँ। स्टाइक आए कुछ आए मुझे तो ये पता है मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है तो जो भी न्यू कमर अगर सेलिंग करना चाहते हैं तो वो हेज जरूर ले साथ में हेज लेने से क्या होगा कि आप जो है एक लिमिटेड लॉस के दायरे में आ जाएंगे अब अगर बड़ा मूव आ भी गया तो फिर पहला तो हमने स्टेप ले लिया अपने आपको सेफ गार्ड कर लिया कि भाई हमने हेज ले लिया राइट दूसरा अब हमारा क्या इस पे मेजर हो सकता है क्योंकि हमारे पास पूरा हफ्ता है जब हमने हेज ले लिया तो हमें ये तो पता है ना कि हमारे सौ रुपए जाने वाले हैं राइट राइट तो हम उस सौ रुपए को तो मैनेज कर सकते हैं तो हम धीरे 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 एडजस्ट करके हाँ। इस तरीके से अपनी पोजीशन को डिवाइस कर सकते हैं कि वो हमारा लॉस मिनिमल हो जाए या प्रॉफिट में भी वो लास्ट डे पे कन्वर्ट हो जाए अच्छा मैं हम जैसे ये सेमिनार कर रहे हैं तो बेसिकली हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं ना हम ऑडियंस के लिए कर रहे हैं हम चाहते हैं कि वो प्रॉफिटेबल हो और लॉस ना करे तो बेसिकली आपने आपनेज अब हेज से मैं बताता हूँ कि आपको ऑलरेडी पता है कि हम डेढ़ लाख का जो हम लेते हैं ऑप्शन सेलिंग अगर वो हैज करते हैं तो वो थोड़ा कम पैसों में भी आ चालीस पचास हजार में हो जाता है तो बंदे जो ऑप्शन बाइंग की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं मैं बोल रहा हूँ कि आप ऐसा कुछ बता दो जैसे आपने बोला हैच करो तो आप एक सिंपल वर्ड्स में इनको समझा दो कि हैजिंग देखो हमें पता है बट इनको नहीं पता तो हैजिंग क्या होती है और वो एक लाख का चालीस में कैसे मिल सकता है कि तुम उसमें भी रिस्क मैनेज कर सकते क्या होता है है कि अगर मान लीजिए हम एटीएम की बात करेंगे एंड लेट्स टॉक के बैंक निफ़्टी पे है क्योंकि राउंड फिगर में थोड़ा सा इसका मतलब हमने सेलिंग कर दी इस स्ट्रेटेजी को हम बोलते हैं और हमने यहां से पांच पांच सौ या छो या आठ आठ सौ डिपेंडिंग ऑन द स्ट्रेटेजी विंग्स बाय कर लिए विंग्स बाय का मतलब है कि इधर की भी कॉल बाय कर ली और इधर की पुट बाय कर ली तो अब क्या होगा कि बाजार हमें एक सीमित दायरे में रहता है तो हमें वो प्रॉफिट देगा अगर बाजार बहुत ज्यादा इस रेंज से और इधर वाली रेंज से बाहर चला जाएगा तो वो हमें लॉस देगा लेकिन लॉस हमारा फिक्स है क्योंकि हमने हेज खरीद रखा है अब अगर मान लो वो इस तरफ ज्यादा निकल गया तो जो पीछे वाली साइड हमें प्रॉफिट दे रही होगी हम उसे धीरे धीरे शिफ्ट करके इस तरह से पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं वो एडजस्टमेंट आप चाहें तो यूट्यूब पे सीख सकते हैं आप लोग वो एडजस्टमेंट को करने के बाद आप कहीं ना कहीं पूरे हफ्ते में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं और अगर किसी वजह से नहीं भी हैं तो यू विल ओनली लूज वन और टू परसेंट ऑफ योर कैपिटल इफ यू आर ट्रेडिंग इन ए हेज पोजिशन तो आप उतना रिस्क तो देखे सबको ही लेगा कोई भी बैठा होगा वो ये तो कह नहीं सकता कि मैंने कोई चीज सौ की बेची और मैं सौ रुपए पचास पैसे पे आते ही निकल जाऊंगा वो भी दस पाँच परसेंट तीन परसेंट चार परसेंट रिस्क लेगा हर महीने तो हम जब हेज बना लेते हैं तो हमारा रिस्क फिक्स हो जाता है सेकेंडली इससे बहुत एक अच्छी चीज़ क्या होती है कि योर साइकोलॉजी इज अंडर कंट्रोल मुझे ये पता है कि मेरे तो मैक्सिमम दो लाख रुपए जा सकते हैं पूरे मैं एक करोड़ की पोजीशन से ट्रेड कर रहा हूं अब मेरे को जो भी एफर्ट करना है वो इस दो लाख को बचाने के लिए करना है तो मैं दो लाख से डेढ़ पे आ गया डेढ़ से सवा पे आ गया सवा से एक पे आ गया और मैं जब इस तरह से और पास आता जाऊंगा तो एक वक्त ऐसा आएगा कि अब मेरे को जाने को तो मेरा बीस ही हजार है लेकिन आने को पचास हजार भी हो सकता है तो मैं उसके लिए फिर प्ले करूंगा क्योंकि मुझे तो पता नहीं मार्केट कहाँ एक्सपायर होने वाली है या इस हफ्ते वो कहाँ एक्सपायर होगी तो हैज पोजिशन बना के कम कैपिटल का यूज करके लेकिन मैं किसी को ये सलाह नहीं देता कि आपके पास केवल चालीस हजार है तो आप स्टेडल कर लो और विंग्स खोल लो आपके पास उसके लिए होने वाली एडिकुएट कैपिटल तीन लाख चार लाख हो रही है तो आपको एक लॉट करना है तो इसको हम बोलते हैं पोजीशन साइजिंग कि कितने लाख रुपए पे आप एक चालीस हजार क्यों क्योंकि अगर एक मुझे एडिशनल लेग बनानी पड़ गई तो मुझे कैपिटल और चाहिए अब मैं चार लाख है मान लो या पांच लाख है मेरे पास और मैंने दस लॉट में ये काम कर लिया अब अगर मुझे दस लॉट की एक एक्स्ट्रा एक लेग बनानी पड़ गई टू सेव गार्ड पोजीशन तो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है तो मैं तो लॉस में ही कटूंगा तो देखा यहाँ पे तो, तो मतलब प्लेड है? है, हैं उनसे यही सिखाता हूँ तीन से चार लाख नहीं है तो एक लॉट में काम मत करो रिगार्डिंग ऑप्शन बाइंग वर्सेज सेलिंग वर्सेज फ्यूचर्स तो ऑर्डर टू इट कि ऑडियंस को समझ आ जाए कि यार कब किसको करना है या कौन सा किससे बेटर है तो अगर इसको ऐसे समझें तो मैं कहता हूँ कि भगवान हमारे सामने आते हैं और वो हमें डेली आके बताते हैं कि मार्केट में अगले दिन क्या होने वाला है ठीक है आज के दिन वो आए और वो कहते हैं कि यार कल जो मार्केट है ना वो मार्केट चालीस हज़ार पर ही रहेगी खुलेगी भी यहीं बंद भी यहीं होगी ठीक है तो अब आपको डिसाइड करना है क्या करना है तो आप ऑप्शन बेचोगे आप चालीस हजार का स्ट्रैंडल बेच दोगे अगले दिन भगवान आते हैं वो कहते हैं कल दिन दिन में ही बैंक निफ्टी हजार पॉइंट चढ़ जाएगा तो आपके लिए बेस्ट इंस्ट्रूमेंट क्या है आप ऑप्शन बाइंग करोगे सीधा आपने कॉल खरीदी और छोड़ दी और मल्टीपल क्वांटिटीज में क्योंकि लाख रुपए में एक लॉट फ्यूचर आएगा यहाँ पे आप कई गुना क्वांटिटी खरीद सकते हो कॉल्स की प्रीमियम ही तो बाय करना है और फिर तीसरे दिन भगवान आके बोलते हैं कि आप जो मार्केट है वो बैंक निफ्टी बढ़ेगा तो सही लेकिन मुझे नहीं पता कब बढ़ेगा लेकिन इस महीने बढ़ जाएगा तो उस केस में आप बाइंग कर नहीं सकते क्योंकि पूरा महीना कॉल लेके बैठ नहीं सकते सेलिंग में आपको लिमिटेड अमाउंट आएगा तो आप यहां पे फ्यूचर बाय करके रख लेते हो कि आपको अपवर्ड मूवमेंट जो मिले उसका बेनिफिट मिल जाए तो इंस्ट्रूमेंट आप जो डिसाइड कर रहे हो वो आपके व्यू से रिलेटेड होगा आपका व्यू बताएगा कि आपको किस टाइप का ट्रेड लेना है, किस टाइप की स्ट्रेटेजी में जाना